मैंने आज अखबार में नरोत्तम मिश्रा जी का बयान पढ़ा। उनको दिग्विजय सिंह के बारे में वाकई चिंता पैदा हुई है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन वो चिंता अपने पास रखें। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी कांग्रेस के लोगों को झूठे केस में दतिया में फंसा रहे हैं, ग्वालियर में फंसा रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं आगाह कर देना चाहता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी को कि जिस प्रकार से आपने कांग्रेस के लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चाहे मुरारी गुप्ता हो, चाहे अनु भारती हो, चाहे राजेंद्र भारती हो, इन सब लोगों के खिलाफ आपने जो झूठे मुकदमे दायर किए, चाहे हमारे शुक्ला जी हो, इन सब के खिलाफ झूठे मुकदमे रात को घर भेजकर महिलाओं को परेशान करना, दबाव डालना कि तुम कांग्रेस पार्टी छोड़ो, मैं इसकी निंदा करता हूं। और इतना मैं कह देता हूं नरोत्तम मिश्रा जी से, ये पद जीवन भर नहीं रहने वाला, गृह मंत्रालय आपके पास जीवन भर नहीं रहने वाला, बाज आ जाइए। ये सब करने से बाज आइए, ईमानदारी से काम करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपने झूठे केसेस में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं फंसाया, तो एक एक कार्यकर्ता के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं।